कैसा मैम, छात्रों ने गेट नीचे क्या है ये? छात्रों की कुछ मांगे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए डीन साहब और हम लोग जल्दी ही एक निर्णय पे पहुंच के उनके पास फिर वापस जाए। मैम क्या हुआ था रात से लेके अभी तक, क्या था? छात्रों ने जैसा आप देख रहे हैं ताला बंद कर रखा है, जो चेन के ताले थे वो तो इजीली खुल गए, लेकिन कुछ चैनल को लॉक करते हुए हैं, खुल नहीं पाए हैं। वार्डन की बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, इस पर देखा जाएगा। अब उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, इंक्वायरी बैठेगी और जल्दी ही जल्दी कुछ निर्णय पे हम लोग आएंगे। वो तो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, हम लोग स्टूडेंट्स के ही साथ हैं और अगर किसी जेन्युइन रीज़न के लिए एग्ज़ाम छूटा है तो एग्ज़ाम परीक्षाएं तो हो जाएंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले दो दिनों से तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हम आज की बात करें तो विधि संकाय का ये छात्रावास, भगवान दास छात्रावास, जहाँ पे छात्रों ने अंदर से छात्रावास को बंद कर रखा है, उनका कहना है कि जो यहाँ के वार्डन हैं उनको बर्खास्त किया जाए। छात्रों का ये आरोप है कि बाहरी लोग आते हैं जो हमसे मारपीट करते हैं। इसी तरह कुछ छात्रों ने अपने परीक्षा को भी छोड़ दिया। इस पूरे मामले पर छात्र बात करने को तैयार नहीं है। वहीं जिला प्रशासन यहाँ पर काफ़ी फोर्स, चीफ प्रॉक्टर और जिला प्रशासन की फोर्स लगी हुई। हम ये भी आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले से विधि संकाय के छात्रों अटेंडेंस कम होने की वजह से कुछ छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके लिए उन्होंने कुलपति से मिला, कुलपति ने उन्हें समय दिया है। उसके बाद भी कल भी नर्सिंग के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही अभी तक तनाव काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बना हुआ है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी।